हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमने डिटरमिनेंट का जो टॉपिक चल रहा है उसमें प्रॉपर्टी सेटअप कर लिया था। अब प्रॉपर्टी नंबर 7 है, वो देखिए क्या कहती है कि प्रॉपर्टी नंबर 7 ये कहती है कि फर्स्ट रो के प्रत्येक एलिमेंट को सेकंड रो के को फैक्टर के साथ गुणा करके अगर जोड़ दिया जाए तो उसका योग जो है वो जीरो के बराबर होता है। देखिए, फर्स्ट रो के प्रत्येक एलिमेंट और सेकंड रो के सेकंड यानी कि को फैक्टर को मल्टीप्लाई करके अगर जोड़ दिया जाए तो उस डिटरमिनेंट का मान जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। तो देखिए, किसी भी रो को ले सकते हो आप, जैसे इस सेकंड रो को ले लो और थर्ड के को फैक्टर ले लो, या सेकंड रो को ले लो या फर्स्ट के को फैक्टर ले लो, इनको आपस में गुणा करके अगर आप जोड़ देंगे तो उस डिटरमिनेंट का मान शून्य हो जाता है। तो जो प्रॉपर्टी नंबर 7 है वो क्या कहती है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अवयव को लेके दूसरे रो के सेकंड के साथ में मल्टीप्लाई करके अगर उनको जोड़ दिया जाए तो उस डिटरमिनेंट का मान शून्य होता है। तो देखिए, मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। देखिए, मैं पहली रो ली है A11 और दूसरी रो की कोफैक्टर, दूसरे रो के क्या है कोफैक्टर, तो कोफैक्टर इसका क्या हो जाएगा A21 का F21, A22 का क्या हो जाएगा F22 और A13। फर्स्ट रो के एलिमेंट है और सेकंड के रो के कोफैक्टर है, इनको आपस में गुणा करके जोड़ने पर इस डिटरमिनेंट का मान शून्य हो जाता है। तो देखिए, फर्स्ट रो के एलिमेंट A11 सेकंड रो का कोफैक्टर है यानी कि सेकंड है F21, इसका है A12, इसका हो जाएगा F22, इसका A13, इसका हो जाएगा F23। अब देखिए, इनको जोड़कर इनको गुणा करके जोड़ेंगे तो इसका योगफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। देखिए, A11 F21 का सेकंड निकालेंगे तो देखिए -1 की पावर F21 का मतलब 2+1 और देखिए सेकंड के आपको निकाल रहे हैं सेकंड, ये चला जाएगा सेकंड पूरा और ये चला जाएगा कॉलम, तो यहां से आ जाएगा A12, ये आ जाएगा A13, ये आ जाएगा A32, ये आ जाएगा A33। अब देखिए A1, अब इसका निकालेंगे A22। अब देखिए, इसका आ जाएगा +A12 और -1 की पावर कितना हो जाएगा 2+2 F22 का मतलब -1 की, मैं इसके कोफैक्टर निकाल रहा हूं, -1 की पावर 2+2। अब इसका निकालेंगे तो देखिए ये पूरी की पूरी कॉलम चली जाएगी, ये पूरी कॉलम चली जाएगी, तो देखिए कहां से आएगा A11 आ जाएगा, इधर से आ जाएगा A13 और यहां से आ जाएगा A31 और ये आ जाएगा A33 प्लस इसका निकालेंगे A13 -1 की पावर 2+3। अब इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा A11 A12 और ये आ जाएगा A31 और ये आ जाएगा A32। अब देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो इस सारणी का योग क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर होगा, इसके बराबर होगा जीरो के बराबर। A11 -1 की पावर 2+1 यानी कि 3 हो गया, 3 इसका मतलब ये किसका आ जाएगा, माइनस का। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे A12 A33 -A32 A13, ये 2 2 4 यानी कि प्लस का रहेगा, प्लस A12 ये आ जाएगा A11 A33 -A31 और A31 -A11 A33 -A31 A13 और ये आ जाएगा, देखिए 2+1 3 5 माइनस का आ जाएगा -A13 A11 A32
माइनस ए थ्री वन ए वन टू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, माइनस ए वन वन ए वन टू ए थ्री थ्री। तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस ए वन वन ए थ्री टू ए वन थ्री प्लस ए वन टू ए वन वन ए थ्री थ्री और माइनस ए वन टू ए वन टू ए थ्री वन ए वन थ्री। और ये आ जाएगा माइनस का ए वन थ्री ए वन वन ए थ्री टू और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का ए वन थ्री और ए थ्री वन ए वन टू। तो देखिए माइनस का ए वन वन माइनस का ए वन वन ए वन टू और ए थ्री थ्री, ये इससे कट जाएगा ए वन वन ए थ्री टू ए वन वन ए थ्री टू ए वन थ्री, ये इससे कट जाएगा और ए वन टू ए थ्री वन ए वन थ्री ये इससे कट जाएगा। तो इसका मान क्या हो गया, जीरो। यानी प्रॉपर्टी नंबर सात क्या कहती है कि किसी भी रो या किसी भी पंक्ति को, पंक्ति के अवयव को दूसरी किसी अन्य रो या कॉलम के साथ, रो या कॉलम के सहखंडों के साथ गुणा करके जोड़ने पर उनका योग क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो देखिए यहां पर मैंने प्रथम रो फर्स्ट रो लिए और सेकंड रो लिए, फर्स्ट रो के एलिमेंट लिए और सेकंड रो के सेकंड लिए, इनको आपस में गुणा करके जोड़ने पर उस डिटरमिनेंट का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर सात। प्रॉपर्टी नंबर आठ देखिए क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर आठ देखिए, डेल्टा बराबर ए वन बी वन सी वन जीरो जीरो ए थ्री बी थ्री और सी थ्री। अगर किसी डिटरमिनेंट की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सभी एलिमेंट क्या है, शून्य है, तो उस डिटरमिनेंट का मान जीरो हो जाएगा। अगर किसी डिटरमिनेंट के अंदर किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट शून्य है तो उस डिटरमिनेंट का मान जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। इसमें सभी एलिमेंट यहां पे क्या है, जीरो। तो इस डिटरमिनेंट का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी वो मैंने आपको बता चुकी है। एक प्रॉपर्टी और बची हमको, आप पढ़ लेना ऐसे ही हम। तो देखिए आगे हम 4.2 पे चलते हैं और 4.2 में क्या है, ये सभी के सभी प्रॉपर्टीज लगेगी। तो देखिए 4.2 देखिए 4.2 का पहला सवाल है, एल एम टू थ्री बराबर जीरो, तो एल रेशियो एम ये फाइंड करना आपको। देखिए मैं डिटरमिनेंट को सॉल्व करना बताया आपको, ये हो जाएगा थ्री एल माइनस टू एम बराबर जीरो। तो थ्री एल बराबर हो जाएगा टू एम, तो एल अपॉन एम बराबर हो जाएगा टू अपॉन थ्री, तो एल रेशो एम बराबर हो जाएगा टू रेशो थ्री। ये इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो। देखिए सेकंड रो के आपको माइनर निकालने, तो देखिए डेल्टा बराबर आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर दो, डेल्टा बराबर दे रखा है दो तीन चार तीन छह और पांच एक आठ और नौ। क्या निकाला है, सेकंड रो के माइनर, यानी कि इसके निकालने हैं, माइनर निकालने हैं। देखिए सेकंड रो के माइनर निकालेंगे तो देखिए ये कहां पर है, ए टू
वन पर, यानी कि यहाँ पे ए टू वन पर कितना है थ्री की उपसारणिक, उपसारणिक निकालेंगे देखिए क्या हो जाएगा, ये पूरी रो चली जाएगी तो यहां से आ जाएगा थ्री फोर एट और नाइन। अब निकालेंगे उपसारणिक हो जाएगी एम टू वन, यानी कि माइनर ऑफ एम टू वन। अब देखिए ए टू टू, ए टू टू पर कितना है सिक्स की उपसारणिक, उपसारणिक हो जाएगी इसकी एम टू टू बराबर, ये पूरा चला जाएगा, यहां से आ जाएगा टू आ जाएगा फोर आ जाएगा, टू आ जाएगा फोर आ जाएगा वन आ जाएगा नाइन आ जाएगा। इसको सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर भी सकते हो, नौ तीस सत्ताईस माइनस आठ सौ बत्तीस याद है, नौ दो अट्ठारह माइनस चार, आगे सॉल्व कर लेना भाई इसको। अब आपको निकालना है फाइव ए टू थ्री बराबर फाइव ए उपसारणी एम टू थ्री, यानी कि माइनर ऑफ एम टू थ्री बराबर आ जाएगा, ये चला जाएगा तो इधर से आ जाएगा टू थ्री वन एट, टू थ्री वन और एट, इसको सॉल्व करेंगे तो सोलह माइनस थ्री, इसको सॉल्व करें तो देखिए क्या आएगा, सत्ताईस में से बत्तीस जाएंगे देखिए कितना आएगा, देखिए ये आ जाएगा सत्ताईस माइनस बत्तीस माइनस का पांच, यह आ जाएगा चौदह और यह आ जाएगा तेरह, इसका आंसर है। उसके बाद में देखिए आगे क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन नंबर थ्री है, डेल्टा बराबर 13, 16, 19, 14, 17, 20, 15, 18 और 21। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, या तो इसका प्रसार कर दो फर्स्ट रो, किसी भी रो या कॉलम का आप एक्सपेंशन कर दो तब निकल जाएगा, या इसमें देखिए ऑपरेशन करेंगे, इसका क्या करेंगे ऑपरेशन, यानी कि संख्याएं लगाएंगे इसमें। तो देखिए संख्या मैं क्या लगाता हूं, कोई भी संख्या लगाइए आप, तो देखिए आर टू टेंस टू आर टू माइनस आर वन एंड आर थ्री टेंस टू आर थ्री माइनस आर वन। तो देखिए संख्या मैंने क्या लगाई है, आर टू टेंस टू आर टू माइनस आर वन, यानी कि ये दोनों चीज घटके आर टू की जगह रखी जाएगी, यहां पे जो चीज होगी वहां पर ये चीज रखी जाएगी। देखिए डिटरमिनेंट के अंदर हम एक बार में दो संख्याएं लगा सकते हैं, एक बार में सिर्फ दो ही संख्या लगेंगी, तीन संख्या कभी भी नहीं लगेगी, ऑपरेशन बाय ऑपरेशन बाय ऑपरेशन आर टू टेस्ट टू आर टू माइनस आर वन एंड आर थ्री टेस्ट टू आर थ्री माइनस आर वन। तो देखिए डेल्टा बराबर आर टू माइनस आर वन, आर टू मेरे पास में कितना है, अब देखिए यहां पे मैंने परिवर्तन किस मैं आर टू का मतलब जो परिवर्तन होगा वो आर टू में होगा, यहाँ पे आर थ्री का मतलब ये है कि आर जो परिवर्तन होगा वो आर थ्री में होगा, तो आर वन में कोई परिवर्तन नहीं है, तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा 13, 16, 19। अब देखिए आर टू माइनस आर वन यानी 14 माइनस 13 क्या बचा एक, या दोनों चीज घटके किसमें लिखी जाएगी आर टू के अंदर, यानी आर टू कितना था 14 माइनस आर वन, तो 14 माइनस 13 देखिए आर टू बराबर क्या, आर टू टेस्ट टू क्या हो जाएगा, आर टू की वैल्यू कितनी है 14 माइनस आर वन कितना है 13, तो 14 माइनस 13 क्या बच गया एक, ये कहां पर रखा जाएगा आर टू की जगह,
ये है R2, R1 ये है, R2 ये है, R3 ये, C1 ये, C2 ये, C3। तो R2 की जगह रखा जाएगा R2 माइनस R1, 14 माइनस 13 क्या बचा 1, 17 माइनस 16 1, 20 माइनस 19 1। अब अगली संख्या क्या है, R3 टेंस टू R3 माइनस R1, जो परिवर्तन होगा ओनली R3 में ही होगा, यानी कि जो घटके जो आएगा R3 में से R1 घटाएंगे। तो देखिए 15 में से 13 गया, 15 माइनस 13 कितना बचा 2, 18 माइनस 16 2, 21 माइनस 19 2, 11। या तो इसका आप प्रसार कर दो या फिर इसमें संख्या लगा के इसको छोटा कर लो। अब देखिए नीचे R3 में मैं कॉमन ले सकता हूं, 2 सब में आ रहा है कॉमन, तो मैं 2 को कॉमन निकाल लूं, R3 से 2 उभयनिष्ठ निकालने पर, लेकिन कॉमन फ्रॉम R3 2, तो यहां से देखिए डेल्टा बराबर आ जाएगा 2, 13, 16, 19, 1, 1, 1, 2 बार आ गया 1, 1, 1। देखिए R3 से मैंने 2 को बाहर निकाल लिया, तो ये 2 आ गया बाहर, यहां से 1 आ गया, यहां से 1 आ गया, यहां से 1 आ गया। अब मैंने बताया कि देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है कि अगर दो पंक्ति या दो स्तंभ, दो पंक्ति या दो स्तंभ अगर बराबर हो तो उस डिटरमिनेंट का मान क्या हो जाता है 0। तो देखिए हमारे पास में R2 और R3 क्या हो गई, समान हो गई, तो इसका मान क्या रहेगा, तो डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा 0, डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट द इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इफ फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम ऑफ एनी डिटरमिनेंट इंटरचेंज, यानी कि थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम को अगर ये चेंज कर रहा है, इसका मतलब प्रॉपर्टी नंबर 2 लग रही है, तो ये पूछ रहा है क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो डिटरमिनेंट पर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, तो डिटरमिनेंट के बाहर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, बस ये लिखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब सवाल को समझना भाई, यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनने स्टार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 है, वन 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 वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई बराबर एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ये इस क्वेश्चन को प्रूव करना है, ये डिटरमिनेंट है और इस डिटरमिनेंट से ये चीज आपको प्रूव करनी है x माइनस y, y माइनस z, z माइनस x। देखिए इसको प्रूव करने के लिए जो डिटरमिनेंट दे रखा है आपको, अगर उस डिटरमिनेंट में एक दे रखा है तो इसका मतलब आप बड़े लकी हो, क्योंकि एक होने से उस डिटरमिनेंट का मान शून्य हो जाता है। कैसे, देखिए इस प्रकार के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए आपको अधिक से अधिक जीरो लाने होंगे, अधिक से अधिक जीरो लाने होंगे, और वो जीरो संक्रिया के थ्रू बाय ऑपरेशन के थ्रू आपको लाने होंगे। देखिए अगर आपको डिटरमिनेंट में एक मिल गया तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि एक होते ही डिटरमिनेंट में अपना आप जीरो हो जाता है। देखिए ये जो एक है, अगर मैं इस ये R2, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो देखिए एक बार में हम सिर्फ दो ही संक्रियाओं का यूज कर सकते हैं, तीसरी संक्रिया का यूज नहीं कर सकते। अगर तीसरी संक्रिया आपने लगा दी तो सवाल गलत हो जाएगा।
तो देखिए इसमें डिटरमिनेंट को सॉल्व करने से पहले आपको ये सोचना है कि इसमें जीरो कैसे होगा, जीरो कैसे लाना है, और कम से कम दो जीरो आ जाए तो डिटरमिनेंट आसानी से सॉल्व हो जाएगी। आप अगर इसका प्रसार करने लग जाओगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा चला जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, अगर मैं आर टू को आर वन में से घटा दूं तो ये जीरो हो जाएगा, अगर मैं आर थ्री को आर वन में से घटा दूं तो ये जीरो होगा। तो देखिए आर टू को, अब देखिए आर टू को मैं किस में से घटा रहा हूं, देखिए बाई ऑपरेशन संक्रिया, समझना भाई इसको, यहां पर संक्रिया में लगाता हूं आर टू टैस टू आर टू माइनस आर वन, आर टू टैस टू आर टू माइनस आर वन, दूसरी संक्रिया लगा रहा हूं मैं आर थ्री टैस टू आर थ्री माइनस आर वन, बात समझ गई। अगर मैं आर टू को आर वन में से घटाता हूं तो ये जीरो, आर थ्री को आर वन में से घटाता हूं तो ये जीरो। अब देखिए आर टू टेस्ट टू आर टू माइनस आर वन और आर थ्री टेस्ट टू आर थ्री माइनस आर वन, तो देखिए यहां पर आर टू में पहले ही परिवर्तन हो रहा है, आर टू में पहले यहां पर देखिए आर टू माइनस आर वन आर टू में चेंजमेंट होगा, लेकिन यहां पर आर थ्री माइनस आर टू नहीं कर सकता मैं, यहां पर आर टू नहीं करूंगा क्योंकि आर टू में चेंजमेंट हो गया यहां पर पहले, तो संख्या ऐसी यूज करनी है आपको कि वो दोबारा रिवाइज नहीं हो उसमें। तो देखिए आर टू टेस्ट टू आर टू माइनस आर वन, आर टू टेस्ट टू बाई ऑपरेशन ये दिखे ना भाई, बाई ऑपरेशन आर टू टेस्ट टू आर टू माइनस आर वन एंड आर थ्री टेस्ट टू आर थ्री माइनस आर वन। अब देखिए डेल्टा बराबर देखिए मेरे पास में है, इस डिटरमिनेंट को मैं डेल्टा के बराबर मान लिया, आर टू टेस्ट टू आर टू माइनस आर वन, आर टू ये है आर वन ये है, तो आर वन में से घटेगा तो यहां पर क्या आएगा, ये दोनों घट के किस में आएगी, परिवर्तन किस में हो रहा है आर टू में, और यहां पे परिवर्तन किस में है आर थ्री में, इसका मतलब आर वन में कोई चेंजमेंट नहीं है, तो आर वन ऐसे की ऐसी आ जाएगी वाई जेड वाई प्लस जेड। अब मैं क्या किया है, अब देखिए संख्या मैंने क्या लगाई है, ऑपरेशन मैंने क्या किया है आर टू टेस्ट टू आर टू माइनस आर वन, आर टू में से आर वन घटा, आर टू में से आर वन, देखिए आर टू टेस्ट टू मैंने लेकिन दिया है आर टू टेस्ट टू आर टू माइनस आर वन, तो देखिए आर टू टेस्ट टू आर टू क्या है मेरे पास में एक, माइनस आर वन भी क्या है एक, तो आर टू टेस्ट टू क्या आ गया जीरो, यानी कि ये जो जीरो आया वो आर टू की जगह रखेंगे, आर टू की जगह जीरो रखेंगे, तो ये आ गया जीरो। अब देखिए आर टू में से आर वन घटेगा तो ये आ जाएगा जेड एक्स माइनस वाई जेड, यहां पर ये घटेगा तो ये आ जाएगा जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, देखिए मैं पहले R2 संख्या लगा रहा हूं, R2 में से R1 1 1 0 ZX minus YZ ZX minus YZ Z plus X minus Y minus Z। अब देखिए अब क्या है संख्या R3 test to R3 minus R1 R3 1 minus 1 ये 0 XY minus YZ यहां से आ जाएगा X plus Y minus Z, ये डिटरमिनेंट संख्या लगा दी मैंने। अब देखिए मेरे पास में दो जीरो आ गए, अब मैं इसका आसानी से प्रसार कर सकता हूं, तो देखिए यहां से मैं कुछ कॉमन निकालता हूं इसमें वन जीरो जीरो, यहां से वाई जेड, यहां से वाई प्लस जेड, अब देखिए यहां से क्या कॉमन आ रहा है जेड कॉमन आ रहा है, तो जेड कॉमन आ गया तो इसका मतलब यहां से क्या बचा एक्स माइनस वाई, और यहां से देखिए जेड से जेड कट जाएगा, यहां से क्या बचा एक्स माइनस वाई, यहां से क्या कॉमन आ रहा है y कॉमन आ रहा है तो x माइनस z बच गया, और यहां से देखिए y से y कट गया, यहां से क्या बचा x माइनस z। अब देखिए r2 में x माइनस y कॉमन आ रहा है, इधर भी x माइनस y है, इधर x माइनस y है, ये तो जीरो हो गया, और इधर से देखिए r3 से x माइनस z ये क्या है x माइनस z, तो r2 और r3 से मैं x माइनस y और x माइनस z कॉमन ले लूं, तो देखिए मैं R2
यहां से देखिए R2 व R3 से x माइनस वाई और x माइनस जेड उभयनिष्ठ निकालने पर यहां पे लिखेंगे टेकिंग कॉमन R2 एंड R3 x माइनस वाई एंड x माइनस जेड। तो देखिए कॉमन निकालते हैं यहां से, अब डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस वाई, यहां से क्या आ जाएगा x माइनस जेड, और ये आ जाएगा यहां से वन, ये वाई जेड, ये वाई जेड, और ये क्या आ जाएगा y प्लस जेड, और ये आ जाएगा जीरो, यहां से आ जाएगा जेड, और यहां से आ जाएगा वन, यहां से आ जाएगा जीरो, यहां से आ जाएगा वाई, और यहां से बचेगा वन। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा। अब मैं इसका प्रसार कर दूं, क्या कर दूं, प्रसार कर दूं, या तो आप इसका एक्सपेंशन कर दो आर वन के अकॉर्डिंग, और प्रसार उसका सबसे पहले करना चाहिए जहां पर आपको सबसे ज्यादा जीरो मिल रही है, तो सबसे ज्यादा जीरो मेरे को सीवन से मिल रही है, तो मैं सीवन का प्रसार कर दूं, सीवन का प्रसार कर दूंगा तो इन दोनों का तो जीरो हो जाएगा, एक का टिकट क्या आ जाएगा। तो देखिए यहां से सीवन का प्रसार करने पर सीवन है, ये सीवन है, ये सी टू है, ये सी थ्री है, तो सीवन के प्रसार से देखिए यहां से आ जाएगा डेल्टा बराबर एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड, और ये प्रसार करेंगे, देखिए इसका एक लूंगा मैं, इस एक को लूंगा तो ये कॉलम ये पूरा चला जाएगा, तो यहां से आ जाएगा जेड माइनस वाई, क्या आ जाएगा, देखिए मैं एक लेता हूं, ये एक लूंगा, इसका प्रसार करता हूं, इसका प्रसार करेंगे देखिए ये पूरा चला जाएगा, ये पूरी कॉलम चली जाएगी, एक लूंगा तब ये आ जाएगा जेड, यहां से क्या आ जाएगा, एक लिया तो ये आ जाएगा जेड माइनस वाई, अब मैं ये जीरो लूंगा तो आगे वाले दोनों के दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, जीरो, ये आ जाएगा हमारे पास में, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड और जेड माइनस वाई। अब देखिए मेरे को जो प्रूव करना है वो क्या है, प्रूव क्या करना है वो देखिए, प्रूव करना है मेरे को x माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तो देखिए x माइनस वाई मेरे पास में आ चुका है, फिर क्या है y माइनस जेड, ये क्या है जेड माइनस वाई, इसमें माइनस कॉमन लिया, तो देखिए यहां से माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा y माइनस जेड, फिर क्या चाहिए जेड माइनस एक्स, ये x माइनस जेड है, मैं इसमें भी कॉमन लेता हूं तो यहां पर ये क्या बन जाएगा प्लस जेड माइनस एक्स, ये इंप्रूवमेंट हो गया आपका। ये था आपका क्वेश्चन पांच का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, यहां पे इंग्लिश वाले लिखेंगे ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग सीवन, सीवन के प्रसार से ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग सीवन। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव, देखिए भाई क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं और बोर्ड में पूरे आएंगे नहीं है, तो मैं बार बार बीच में इसको मिटाने की प्रॉब्लम खड़ी होगी, तो आप साथ साथ में इसको उतारते रहे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, डेल्टा बराबर आपको दे रखा है जीरो बी स्क्वायर ए
सी स्क्वायर ए ए स्क्वायर बी जीरो सी स्क्वायर बी, ये है ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी और ये जीरो। तो देखिए इस रिमेंट की आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहां पर सी वन है, ये सी टू है, ये सी थ्री है, ये आर वन, ये आर टू, ये आर थ्री। अब देखिए इनमें कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं सी वन को लेता हूं तो देखिए यहां से ए स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा, यहां से दोनों में बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और यहां से सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यानी कि क्या ले लें, सी वन सी टू सी थ्री से सी वन सी टू सी थ्री से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वो वैनिस्ट निकालने पर, टेकिंग कॉमन टेकिंग कॉमन सी वन सी टू एंड सी थ्री फ्रॉम टेकिंग कॉमन फ्रॉम सी वन सी टू सी थ्री ऐसे टेकिंग कॉमन फ्रॉम सी वन सी टू सी थ्री ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो देखिए यहां से डेल्टा बराबर